की एज जो है तकरीबन 90 साल है, हो सकता है उसे भी पुराना हो। आजकल इस तरह के बर्तन कहीं पर भी नजर नहीं आते। और देखा ये कली होता हुआ, और मैंने कली होते हुए ग्लास को फर्स्ट टाइम देखा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, मेरे पास इस टाइम एक एंटीक ग्लास है। ये मेरी दादी माँ के जहेज़ का ग्लास था, तो इसे तकरीबन 90 साल के करीब हो गए हैं। तो ये ग्लास मेरे पापा ने काफ़ी अरसे से अपने पास संभाल के रखा हुआ था, तो ये मैं इनसे लेकर आई हूँ। अब मैं इसे वॉश करवाऊँगी और फिर देखेंगे कि ये इतना खूबसूरत ग्लास कैसा लगता है। हज़ारों बीमारियों का इलाज होते थे, अब ये बर्तन हमें अब कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। जो इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत ग्लास है, देखें इतने खूबसूरत इस पर डिज़ाइन बने हुए हैं जो आज भी कायम है। और ये रियल एंटीक ग्लास है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसे हमने वॉश करवाया है, कली करवाया, जो कली वाले भी आजकल तो कहीं पर नज़र ही नहीं ना आते। हम लोग ये कोई बचपन में ही सुना करते थे, गली मोहल्लों में कली वाले फेर रहे होते थे, और ग्लास जो है बर्तन ट्रे होती थी उनकी, घर की प्लेटें होती थी, वो सारे वो वहाँ पे कली करवाते थे, वॉश कराते थे। और ये ग्लास जो होते थे, बर्तन जो उस दौर के एंटीक बर्तन होते थे, वो जरासीम से पाक भी होते थे और बीमारियों का तो नामो निशान ही नहीं होता था। आजकल तो हम लोग हर रोज़ एक नई बीमारी सुन रहे होते हैं जिनका नाम भी हम लोग को नहीं पता होता, जो नाम भी नए नए हम लोग सुन रहे हैं। पुरानी चीज़ें वैसे भी आस्ता आस्ता वापस आ रही हैं, तो आनी भी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बेहतरीन जो चीज़ें होती थी पायदार। और ये इतना वज़नी है, ठीक ठाक मेरे हाथ में इसका वज़न फील हो रहा है। और जो कली कर रहा था वो भी ये कह रहा था कि आजकल ऐसे बर्तन बिल्कुल भी नहीं होते और ये होने चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगियों में इनको वापस लाना चाहिए।